ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी है, और मत लग के रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते अभी और भी हैं। प्यारे बच्चों, मैं चार पंक्तियां उन बच्चों के लिए भी कहा करता हूँ जो बच्चे कहते हैं कभी अंकल क्या बताएं, हम तो मेहनत तो मेरिट के लिए करते हैं लेकिन कभी दो नंबर कम रह जाते हैं तो कभी चार नंबर कम रह जाते हैं, हमें भी कोई तरीका बताइए। अरे प्यारे बच्चों, मैंने तरीका खोज लिया, चार सी है बच्चों, बहुत सी। आधा घंटे का समय सिनेमा से बचाएं, आधा घंटे का समय बेकार की सीडी से बचाएं, आधा घंटे का समय कंप्यूटर से बचाएं जिस पर दुनिया भर की बेकार की सीडी आप देखते रहते हैं, और आधा घंटे का समय सेल फोन से बचाना, दो घंटे का समय मिल जाएगा आप अपनी पुस्तकों पर लगा देना। मैं दावा करता हूँ आपको मेरिट में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब फिर चार पंक्ति आपके ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यकीन है अपने आप पर तो चलकर दिखाओ, सहमे सहमे से क्यों हो कुछ मचल कर दिखाओ, और तुम्हें रोक नहीं पाएगा कोई, ये यकीन मेरा भी है, यकीन को यकीन मत रहने दो, हकीकत में बदल कर दिखाओ। और कोई बच्चा कहता है कभी अंकल क्या बताएं, हम तो देखते रहे स्पाइडरमैन, हम तो देखते रहे छोटा भीम, हम तो देखते रहे शिवा, हम तो देखते रहे डोरीमोन, हम तो देखते रहे अड्डी मेरा बड्डी, ये टेलीविजन पढ़ने नहीं देता, पर हम तो अप्रैल से सीरियस नहीं थे, क्या हमें भी कोई तरीका बता करके जाएंगे। स्वेट मार्टन अमेरिका का एक राइटर जिसकी मैं बहुत सारी किताब पढ़ता हूँ, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी जब जागो तभी सवेरा। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई बच्चा अभी तक सीरियस नहीं था पढ़ाई के लिए, लेकिन आज एक संकल्प लें कि मैं पूरी मजबूती के साथ पढ़ूंगा, और जो बच्चे विद्यालय से जाकर के अपने घर पर 5 या 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, भाई जो पढ़ते हैं उनको मेरिट में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। हमने किताब भी निकाली, असंभव कुछ भी नहीं, ये किताब मैं पहले भी लेके आया, उठो जागो पहले भी लेके आया, लेकिन एक बहुत कीमती किताब हमने अभी पब्लिश की है सफलता के सूत्र। प्यारे बच्चों, तब मैं चार पंक्तियां आपके लिए और कहना चाहता हूँ, पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचाए तो समर्थन करना, ये दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, और ये मत सोचना मैंने 6 घंटे पढ़ने के लिए बोला। प्यारे बच्चों, आप कोटा में चले जाएं, एक एक बच्चा 18-18 घंटे पढ़ता है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ प्यारे बच्चों, मैं 3 बजे 5 बजे चारपाई छोड़ देता हूँ और रात को 10 बजे सोता हूँ, 17 घंटे हार्ड वर्क करता हूँ। एक दिन में 4 स्कूलों में हम दोनों भाई प्रोग्राम देते हैं, हम थकते नहीं, क्योंकि देश को मजबूत बनाना है। प्यारे बच्चों, तब चार पंक्तियां आपके लिए और कहना चाहता हूँ, कितना आसान होता जितना रहना तो लोग खुदकुशी ना करते, और होता मरना भी आसान तो मौत से यूं ना डरते। आसान तो जहां में कहीं भी कुछ भी नहीं है, और जिसे ठान लो कर गुजरने को, आसान बस वही है, आसान बस वही है। एक हफ्ता आपके बीच में रखता हूँ, आपके जीवन में काम आएगी प्यारे बच्चों, और जहाँ कथा की अंतिम पंक्तियों पर मेरे हाथ आगे खुल जाए तो आपकी ताली मुझे मिल जाए, उस समय पर मेरे साथ रहने का मौका मिल जाएगा, और कथा को पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाऊंगा। सुनिएगा, आज देश के